प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, ये हमारा सूरदास का टॉपिक चल रहा है। हम सूरदास का पद पढ़ाने जा रहे हैं। इस पद में उद्धव जी हैं जो गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं। तब गोपियाँ अपने वाक चातुर्य से, वाक पटुता से, अपनी चतुराई से निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती हुई उद्धव से प्रश्न करती है। तो देखो, इसमें इसी संदर्भ में दिया गया है। इस पद के अंदर पहले इस पद को हम पढ़ देते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं सम जाई सौंदे बूझत सांच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी की दासी। कैसो बरन भेष है कैसो, की रस में अविलासी। पावे गोपन कियो आपनो, जोरे करेगो गासी। सुरत मौन वह रहो बाबरो, सूर सवे मति नासी। सुनत मौन में रहो बाबरो, सूर सवय मति नासी। तो देखो, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं। पहले मैं इन्हें बता देता हूँ। निर्गुण कौन देश को बासी। बासी का मतलब होता है निवास स्थान, रहने वाला। सोहे का मतलब होता है शपथ, कसम। मधुकर शब्द आया है। मधुकर का मतलब होता है, मधुकर उद्धव जी के लिए आया है। किसके लिए? उद्धव जी के लिए। बूझती जो शब्द आया है, बूझती का मतलब होता है पूछना। जनक का मतलब होता है पिता, और जननी का मतलब होता है माता। वरण का मतलब होता है वर्ण, रंग। अभिलाषी का मतलब होता है इच्छुक। इच्छुक गांसी शब्द है। गांसी का मतलब होता है झूठ बोलना या कपट। नासी का मतलब होता है नष्ट। तो देखो बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ हैं। इन कठिन शब्दार्थों में बासी कहते हैं निवास स्थान को। सोहे माने शपथ या कसम। मधुकर कहते हैं उद्धव जी को। बूझती कहते हैं पूछना। जनक का मतलब होता पिता, और जननी का मतलब माता। वरण माने वर्ण या रंग। अभिलाषी कहते हैं इच्छुक। गांसी माने झूठ या कपट, और नासी माने नष्ट करना। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब हम समझा देते हैं इस पद को। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कई समझाए सौंदे बूझत सांचना हंसी। देखो, इसमें उद्धव जी, ये पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर सार से लिया गया है।
इसमें उद्धव जी गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए जाते हैं और उनसे निर्गुण ज्ञान का उपदेश देते हैं। तब गोपियाँ अपने अपने बाघ चातुर्य से अपनी बाघ पटता से निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती हुई उद्धव जी से प्रश्न पूछने लग जाती हैं। तो देखो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, वह निर्गुण ब्रह्म, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, वह निराकार ब्रह्म किस देश का निवासी है? वह निराकार जो ब्रह्म है, निर्गुण कौन देश को वासी? वे कहती है कि हे उद्धव जी, वह निर्गुण ब्रह्म, यह निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, किस देश का निवासी है? मधुकर कहीं समझाए सोहिंदय बूझित सांच न हासी। तो देखो हे मधुकर, हे उद्धव जी, हमें तुम समझा करके क्यों नहीं कहते हो? इसके लिए हम तुम्हें शपथ देती हैं कि हम ये बात तुमसे अपने रियल भाव से, सत्यता से पूछ रही हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछ रही हैं, और हम तुम्हारी हंसी नहीं कर रहे हैं। तुम ये मत समझना कि ये हमारी हंसी कर रहे हैं, हम हंसी नहीं कर रहे, हम यथार्थ में आपसे ये पूछ पूछ रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछ रहे हैं। कोहे जनक कौन है जननी, कौन नारी की दासी, कैसो वरन बेस है, कैसो कहीं रसमें अभिलाषी। देखो गोपियां कहती हैं कि तुमने जिस निर्गुण ब्रह्म को पिता माना है, मतलब तुम्हारे द्वारा बताए गए जो निर्गुण ब्रह्म है या निराकार ब्रह्म है, उसका पिता कौन है? उस निराकार ब्रह्म का पिता कौन है? कौन उसकी माता है और कौन उसकी पत्नी है? को है जनक कौन है जनी, कौन उसके पिताजी हैं, कौन उसकी माता है और कौन उसकी पत्नी है और कौन उसकी दासी है? उसका रंग कैसो वरन भेष है, कैसो कीरस में अवलासी। उसका रंग कैसा है, भेष कैसा है, तथा वह किस रस के इच्छुक है, किस रस को चाहने वाले हैं, किस रस के अभिलाषी हैं, वो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म। वह ये गोपियां उस उद्धव जी से ये प्रश्न करते हैं। पावे गोपन कियो अपनो जोर करे गो घासी, सुनत मौन वे रहो बाबरो सूर सवे मतिनासी। देखो यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर बताने में अगर संकोच करते हो या असत्य बात कहते हो, तो अपने किए कर्म का तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। सुनत मौन वे रहो बाबरो सूर सवे मतिनासी। देखो गोपियां कहती हैं उद्धव से, यदि तुम प्रश्नों को उत्तर बताने में संकोच करते हो या झूठ बोलते हो, तो तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। कवि सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों के इस कथन को सुनकर के उद्धव जी हैं जो ठगे से रह जाते हैं, और वह एक जो ठगा हुआ सा व्यक्ति होता है ना, वह मौन हो जाता, उसी प्रकार वो मौन हो जाते हैं और कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते। इससे ऐसा लगता है कि प्रेम ने इन सभी गोपियों की, प्रेमात्रेक ने इन सभी गोपियों की बुद्धि को ही नष्ट कर दिया है। मतलब श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम ने इन गोपियों की जो बुद्धि है उसको नष्ट कर दिया है। तो ये सूरदास जी कहते हैं। तो गोपियों के माध्यम से सूरदास ने निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन किया है और ज्ञान योग का जो उपदेश है वो प्रेमा भक्ति के लिए उचित नहीं ठहराया है, उसे अनुचित बताया है, अनुपयुक्त बताया है। इसलिए इसमें ये जो पद है, इसमें अनुप्रास और आक्षेप अलंकार का
प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका अगला पद है। तो देखो, इस अगले पद को हम पढ़ते हैं। पहले हमारे हरिहारे की लकड़ी, हमारे हरिहारे की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन ये दृढ़ करी पकड़ी। नंद नंदन, मन क्रम वचन नंद नंदन यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत दिवस निसी कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करवी ककरी। सूतौ व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चकरी। तो देखो बच्चे, इसमें कुछ कठिन शब्द आ रहे हैं, पहले मैंने बता देगा आपको। लकड़ी, लकड़ी कहते हैं लकड़ी। लकड़ी को कहते हैं और मतलब कहते हैं हृदय। और माने हृदय। पकड़ी, पकड़ी का मतलब होता है पकड़ना। निसी शब्द जो आया है ये रात्रि के लिए आया है, और जकरी का मतलब है रट लगना। करवी, करवी का मतलब होता है कड़वी। ककड़ी कहते हैं ककड़ी को। ककड़ी एक फल होता है। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है पीड़ा, बीमारी। चक्री, चक्री कहते हैं जिनका मन चंचल होता है, जिनका मन चंचल होता है चक्री उसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, लकड़ी कहते हैं लकड़ी को, और माने हृदय। पकड़ी माने पकड़ना। निशी कहते हैं रात्रि को। जकरी माने रट लगना। करवी माने कड़वी। ककड़ी कहते हैं ककड़ी को। व्याधि कहते हैं पीड़ा या बीमारी। और चक्री माने चंचल। तो देखो, हमारे घर हरियाली की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। देखो प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से संबंधित है, ये सभी को पता ही है। इसमें गोपियों के समक्ष या गोपियों के सामने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भावना को व्यक्त कर रहे हैं। सूरदास जी अब उनकी अनन्य भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, गोपियां उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को सुनती हैं और उसे सुनकर के उसे स्वीकार नहीं करती हैं, और वे कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारल की लकड़ी है। हारल की लकड़ी, हारल कहते हैं जो हरिल तोता होता है, उसको हारल बताया गया है। तो देखो, तो वे कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे हरिहार की लकड़ी, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हार की लकड़ी हैं। जिस प्रकार हरिण पक्षी अपने पंजों में मन क्रम वचन नंद नंदन और यह धरण कर पकड़ी, जिस प्रकार जो हरिण पक्षी होता है वो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी दबा करके रखता है, लकड़ी दबा करके रहता है और उसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार
हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में हर समय बसा करके रखते हैं और इसका किसी भी प्रकार हम त्याग नहीं कर पाते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन ये दृढ़ पकड़ी, देखो उसी प्रकार श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हुए हैं और इसका किसी भी प्रकार हम त्याग नहीं कर पाते हैं। इससे है कि हमारा जो मन वचन और कर्म है उस मन वचन कर्म से अपने हृदय में श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को हमने अच्छी तरह से यह दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। श्री कृष्ण रूपी जो लकड़ी है उसको हमने बड़ी दृढ़ता से बड़ी अच्छी पूर्वक के पकड़ रखा है जिससे कि वो हमसे कहीं छूट ना जाए। इस प्रकार तो देखो वो उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमने तो श्री कृष्ण के हर पक्षी के समान, जैसे हर पक्षी लकड़ी को पकड़ लेता ना, उसी प्रकार हमने भी उसको पकड़ रखा है। हम उसको किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम उससे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। तो देखो, जागत सोवत दिवस निसी काने काने जकरी सुनत जोग लागते हैं सो ज्यो करोई कसरी। गोपियां कहती हैं कि हम जागते हुए सोते हुए स्वप्न में दिन में रात में प्रत्यक्ष हमेशा कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। हम रात हो दिन हो जागते सोते स्वप्न में हर समय कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। हम कृष्ण के नाम को कभी नहीं छोड़ती। हे उद्धव, हमारा जो योग उपदेश है उस योग उपदेश के सुनते ही हमें तो ये तुम्हारा ज्ञान उपदेश है कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सुनत जो लागत है सो ज्यों करो ककड़ी, ये तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है जो तुम्हारा ज्ञान उपदेश है। इससे हमें बहुत अधिक दुख हो रहा है, कि हमें ऐसा ज्ञान उपदेश स्वीकार नहीं है। हम ऐसे ज्ञान उपदेश ऐसा जो ज्ञान उपदेश है इस ज्ञान उपदेश को हम अस्वीकार करते हैं क्योंकि हमें ऐसा ज्ञान उपदेश नहीं चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण से ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। हमें तो उस साकार ज्ञान में ही आनंद प्राप्त होता है जिससे कि हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रिय कृष्ण को कृष्ण के दर्शन कर पाते हैं। सूतो व्याध हमको ले आए देखी सुनी न करी ये तो सूरत नहीं ले सको जिनके मन चप। गोपियां कहती है कि तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए, व्याधि मतलब बीमारी, तुम तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए जो ना तो हमने कभी देखी है ना कभी सुनी है और ना उसका कभी उपभोगी किया है ना हमने भोगी है। ऐसी बीमारी लेकर के आ गए तुम अपना उपदेश ऐसे लोगों के लिए देना जिनका मन चंचल हो, चक्री की तरह घूमते रहता हो, ऐसे लोग ही इसके लायक हैं। कवि का कहने का भाव ये कि हमारा जो मन है वे मन स्थायी रूप से श्री कृष्ण में लगा हुआ है। हमारा जो मन है हम श्री कृष्ण को चाहते हैं, हमारा मन श्री कृष्ण में ही समाया हुआ है, हमारा मन और कहीं जा ही नहीं सकता है। इसलिए जो तुम्हारा ये ज्ञान उपदेश है ना, ये ज्ञान उपदेश का हमें हम पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमें उस निराकार निर्गुण ब्रह्म की आवश्यकता नहीं है। हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो श्री कृष्ण के दर्शन ही करने हैं। हमें प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान ही चाहिए जो साकार ज्ञान है जिसमें हम अपने आराध्य की सेवा कर सकें, उनसे मिल सकें, उनके दर्शन कर सकें। तो गोपियां केवल श्री कृष्ण के प्रेम की सेवा
वह किसी को भी नहीं चाहती है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य भक्ति प्रेम है, एक निष्ठ भावना है। इस पद में जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी का सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण हुआ है और रूपक उपमा अतिशुक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।